हेलो स्टूडेंट, एज यूजुअल आई एम सैजद खान फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत्सर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबत्सर से सैजद खान हूँ। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल एट क्लास ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की कक्षा 8 की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 ऑफ सेकेंड चैप्टर अप टू क्वेश्चन नंबर 6। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 है चैप्टर सेकेंड की, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया था। एंड अवर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। और आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड की जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर है 7th है वो हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो हम सोल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 7th में अपने जो है कंसेक्टिव जो मल्टीपल्स दे रखे हैं, कंसेक्टिव मल्टीपल्स मीन्स होता है लगातार जो गुणज होते हैं अपने वो दिए हुए हैं, वो हमें करने हैं। देखिए, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो यहाँ पर हमें कंसेक्टिव मल्टीपल्स यानी लगातार गुणज कितनी 3, तो 3 है उनका सम दे रखा है, सम यानी योगफल दे रखा किसके 8 के, और वो भी है 888 यानी कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग होता है, जो गुणजों का योग है 888 है। फाइंड द मल्टीपल्स, तो हमें जो है गुणज ज्ञात करना है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें 7th क्वेश्चन है अपना। सो 7th क्वेश्चन के अंदर हमें ये मल्टीपल्स का थोड़ा नॉलेज में होना चाहिए, मल्टीपल्स क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2nd में से 7th में। सो मल्टीपल्स है, जैसे बात करते हैं अपन 8 की, सो 8 की बात करते हैं तो 8 है, 8 के 3 कंजेक्टिव मल्टीपल्स यानी लगातार गुणज है। तो 8 का जो मल्टीपल्स है, फर्स्ट मल्टीपल्स जो होता है 8 का 8 होता है। अब सेकेंड मल्टीपल्स अगर फाइंड करना है तो वो होता है 16, एंड थर्ड मल्टीपल है 24। तो इस प्रकार जो कंजेक्टिव मल्टीपल्स होंगे 8 के, तो 8, 16, 24 ये इनके कंजेक्टिव मल्टीपल्स है। इसी प्रकार अगर कोई अदर नंबर है, जैसे 7 के कंजेक्टिव मल्टीपल्स की बात करें, 7, 7 2 14 एंड 7 3 21, तो ये 7 के कंजेक्टिव मल्टीपल्स। तो इस प्रकार जो मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, कोई से भी 3 मल्टीपल्स हो सकते हैं जिनका जो है सम वो है 888 हो रहा है। तो इस प्रकार कंजेक्टिव मल्टीपल्स लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंजेक्टिव मल्टीपल्स 8 के बात करें तो 8 का फर्स्ट 8 है, सेकंड 16 है, थर्ड 24 है। तो इसी प्रकार कोई भी 3 ऐसे कंजेक्टिव मल्टीपल होंगे जिनका सम 888 है, उन मल्टीपल्स को हमें फाइंड करना है। तो अगर मल्टीपल्स फाइंड करना है किसी भी नंबर का, जैसे 8 का किया, तो 8 में 8 ऐड करेंगे तो अगला जो है कंजेक्टिव मल्टीपल 16 हमें ऑप्टेन होगा, और सेकंड में अगर हम फिर 8 ऐड करें यानी 8 के मल्टीपल्स फाइंड करें तो 8 ऐड करेंगे 24। इस प्रकार हम जो है कंजेक्टिव मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल्स हम लेते हैं, लेट फर्स्ट मल्टीपल्स हम लेंगे, लेट फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल्स हम यहाँ पर x लेते हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल्स क्या लेंगे हम, x लेंगे हम। तो 8 के हैं तो 8 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर सेकंड मल्टीपल्स लिखेंगे, सेकंड मल्टीपल। तो सेकंड मल्टीपल, अब फर्स्ट हमने x लिया तो सेकंड होगा एक्स प्लस 8, क्योंकि 8 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो 8 के चल रहे हैं तो 8 ऐड करेंगे। एंड थर्ड मल्टीपल्स, तो थर्ड लेंगे, थर्ड मल्टीपल होगा। तो सेकंड जो मल्टीपल्स आया, देखिए फर्स्ट मल्टीपल में 8 ऐड किए, अब जो सेकंड मल्टीपल्स आया एक्स प्लस 8
उसमें फिर 8 ऐड करेंगे तो सेकंड मल्टीपल्स अपने पास ऑप्टेन होगा x प्लस 16। तो इस प्रकार फर्स्ट मल्टीपल x, सेकंड मल्टीपल x प्लस 8 एंड थर्ड मल्टीपल x प्लस 16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है जो इनका सम है, लिखा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में द सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888 के 8 के 3 लगातार गुणजों का योग है वो 888 है। तो हमने जो कंजेक्टिव मल्टीपल फाइंड किए हैं, फर्स्ट है x, सेकंड हमने फाइंड किया है x प्लस 8 और थर्ड जो है हमने फाइंड किया है यहाँ पर x प्लस 16। इनका जो सम है, सम यानी ऐड करने पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनका सम करेंगे, ऐड करेंगे तो ऐड करने पर अपने पास जो इनका सम ऑप्टेन हो रहा वो है 818। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो ये अपना इक्वेशन अपने पास ऑप्टेन होगी। तो अपने पास इक्वेशन प्राप्त हो गई इसकी, तो हम ऐड करेंगे 1x 2x 2x एंड 1x 3x। पहले x x को ऐड करेंगे फिर 8 16 एंड 8 24 इक्वल टू 888। तो यहाँ पर फर्स्ट हम जो है ट्रांसपोजिंग करेंगे 24 का, तो ट्रांसपोजिंग करेंगे 24 का राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ट्रांसपोजिंग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 24 टू राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड अपने रिमेनिंग 3x इक्वल टू 888। ऑलरेडी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड जो है राइट साइड 24 का ट्रांसफर करेंगे तो 24 प्लस में तो माइनस में चेंज हो जाएगा, 3x इक्वल टू 888 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने पास ऑप्शन 864। अब 3 का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड। अब 3 का करेंगे राइट हैंड साइड ट्रांसपोजिंग करेंगे तो यहाँ पर जो 3 है और x है वो मल्टीप्लाई में डिवाइडेशन में चेंज होगा तो x इक्वल टू 864 अपॉन 3। तो x इक्वल टू यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 864 को, तो डिवाइड हमें सभी को आता है, 8 क्लास के बच्चों को सबको डिवाइड करना आता है, तो 864 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ऑप्टेन होगा नंबर x 288। ये तो अपना आ गया x, हमने क्या लिया था फर्स्ट मल्टीपल तो यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट मल्टीपल, ये है अपने फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल। सेकंड मल्टीपल है अपने सेकंड मल्टीपल तो सेकंड मल्टीपल था अपना, देखिए फर्स्ट x है, x अपने पास ऑप्टेन 288, तो x यानी x की वैल्यू 288 उसमें 8 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 288 में 8 ऐड करेंगे, सो 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 296। फिर थर्ड मल्टीपल्स तो लिखेंगे थर्ड मल्टीपल देखिए जो अपना सेकंड मल्टीपल्स आया है उसमें सेकंड मल्टीपल में फिर 8 ऐड किए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 288 में देखिए x में 16 ऐड किया 8 ऐड करेंगे तो अपने पास ऑप्टेन होगा 304। तो इस प्रकार हम जो है इसमें जो मल्टीपल्स है कंजेक्टिव मल्टीपल्स है 8 के वो हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कंजेक्टिव मल्टीपल्स होगा 288 एंड सेकंड कंजेक्टिव मल्टीपल होगा 296 एंड थर्ड कंजेक्टिव मल्टीपल्स होगा 304 8 के, और 288 296 एंड 304 को अगर हम सम करेंगे तो इन तीनों का जो सम है वो 888 आएगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं
जांच कर सकते हैं इसकी इजीली। नेक्स्ट है अपने इसमें क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 कंजक्टिव इंटेजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 कंजक्टिव इंटेजर्स है। कंजक्टिव इंटेजर यानी इंटेजर मीन्स होता है पूर्णांक, कंजक्टिव यानी लगातार। तो यहाँ पर जो है 3 लगातार पूर्णांक तो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें ऑर्डर में लेकर मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना है, फर्स्ट को 2 से, सेकंड इंटीजर को 3 से एंड थर्ड को 4 से रिस्पेक्ट क्रम से। तो हम कह सकते हैं 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमें काम करना है। अभी आगे इसमें जो दिया हुआ है कि दे एड अप टू 74, कि एड अप टू, तो उनको अगर हम क्या करते हैं, जो योग करते हैं उनका, तो इनसे गुणा करके यानी 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको एड करेंगे तो 74 अपने पास ऑप्टेन होगा यानी 74 आएंगे। फाइंड दीज नंबर, तो वो नंबर्स ज्ञात कीजिए, फाइंड करना अपने को संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे फर्स्ट हमें इसमें दिया कि 3 लगातार जो पूर्णांक है वो बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 एंड 4 से गुणा करने पर हमें जो है 74 प्राप्त होते हैं। तो वह नंबर्स ज्ञात कीजिए, इंटेजर्स फाइंड कीजिए। तो इंटेजर्स लीजिए, जैसे 5th क्वेश्चन में किया था हमने, इंटेजर यानी पूर्णांक, इंटेजर्स हम जानते हैं। तो यहाँ पर इंटेजर्स की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट इंटेजर 1 है तो सेकेंड आएगा 2, 3, 4, ये इंटेजर्स ये होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में, 1 के आफ्टर 2, 2 के आफ्टर 3, 3 के आफ्टर 4। यानी अगर 1 में 1 ऐड करें तो सेकंड, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया यानी 4, तो कंजेक्टिव मल्टीपल्स होगा 1 ऐड करने पे। तो ऐसे ही कोई 3 कंजेक्टिव जो है इंटेजर्स है। तो यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट इंटेजर्स हम ले सकते हैं x, तो फर्स्ट हम एट लेंगे, यहाँ पर एक्स लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर लेंगे लेट फर्स्ट इंटेजर एक्स लेंगे, सेम जो 5th क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग करेंगे सेकंड मल्टीपल। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड इंटेजर। तो फर्स्ट में 1 ऐड किया, सेकंड ऑप्टेन होगा अपने पास। फिर लिखेंगे थर्ड इंटेजर। तो थर्ड इंटेजर है तो सेकंड में फिर 1 ऐड किया, तो सेकंड में 1 ऐड किया तो आएगा थर्ड इंटेजर x प्लस टू। अब इनके क्या करना है अपने को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4। इनको अगर फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 3 से और थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एड अप टू, और एड करने पे 74 ऑप्टेन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट मल्टीपल है एक्स उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और जो सेकंड इंटीजर से अपने एक्स प्लस 1 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और जो थर्ड मल्टीपल है एक्स प्लस 2 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो फर्स्ट को देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इंटीजर्स को 3 से एंड थर्ड को हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करके एड करेंगे, तो एड किया तो ये एड का साइन लगा दिया। देखिए फर्स्ट को, सेकेंड और थर्ड इनको एड किया है तो एड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को 3 से, थर्ड को 4 से, फिर एड करेंगे। तो एड करने पर, इनको एड करने पर अपने पास ऑप्टेन हो रहे हैं 74। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शॉर्ट में लिखा है मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना फर्स्ट, तो देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में है, द्विपद है यहाँ पर,
तो द्विपद है तो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा थ्री से, तो थ्री को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स, एंड फिर थ्री को वन से करेंगे थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री। इसी टाइप से हम इसको नेक्स्ट को करेंगे, फोर को एक्स से किया फोर एक्स, एंड फोर को टू से मल्टीप्लाई किया फोर टू जा एट इक्वल टू सेवेंटी फोर। अब यहां पर जो सेम जो वेरिएबल है उनको ऐड करेंगे, देखिए ये भी एक्स का जो है एक्स के टर्म्स है उनको एक्स के टर्म्स को ऐड करेंगे, तो देखिए एक्स के टर्म्स को ऐड किया फोर एक्स एंड थ्री एक्स हो गए सेवन एक्स, सेवन एक्स एंड टू एक्स है नाइन एक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे नाइन एक्स प्लस नंबर को नंबर में ऐड करेंगे थ्री एंड एट, थ्री एंड एट इलेवन, थ्री एंड एट इलेवन इक्वल टू सेवेंटी फोर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो पहले इलेवन के करेंगे ट्रांसपोजिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे हम के ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग इलेवन टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सो नाइन एक्स इक्वल टू सेवेंटी फोर माइनस इलेवन, पॉजिटिव में नेगेटिव में अपने चेंज हो गया, तो नाइन एक्स इक्वल टू तो यहाँ पर थ्री एंड सिक्सटी थ्री अपने पास ऑप्टेन होगा। अब हम यहाँ पर नाइन का ट्रांसफर करेंगे, नाइन मल्टीप्लाई में है जो है डिवाइडेशन में चेंज होगा, तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग नाइन टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करें सिक्सटी थ्री को नाइन से डिवाइड करेंगे, तो नाइन से डिवाइड किया सिक्सटी थ्री को सेवन टाइम, एक्स की वैल्यू अपने पास ऑप्टेन होगी सेवन, तो यहाँ पर सेवन इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो ये था अपना देखिए फर्स्ट इंटीजर, एक्स की वैल्यू थी अपने क्या था फर्स्ट इंटीजर, सेकंड क्या होगा सेवन प्लस वन अपने एट आएगा और एट प्लस, और इनको देखिए हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये तो हो गया लिखेंगे दस फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर अपने पास ऑप्टेन हुआ सेवन। अब फर्स्ट अगला नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर, तो सेकंड इंटीजर क्या फर्स्ट में हम वन ऐड करेंगे तो सेकंड इंटीजर ऑप्टेन होगा एट, फिर थर्ड इंटीजर तो लिखेंगे थर्ड इंटीजर, थर्ड इंटीजर, थर्ड इंटीजर है जो सेकंड आया है एट, एट में वन ऐड किया थर्ड नाइन। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, फर्स्ट इंटीजर को टू से, सेकंड को थ्री से, एंड थर्ड को जो है फोर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे सेवेंटी फोर आया, तो देखिए अगर हम चेक भी करें तो देखिए फर्स्ट इंटीजर क्या अपना सेवन, सेकंड क्या एट, थर्ड है नाइन, फर्स्ट को टू से, सेकंड को थ्री से, एंड थर्ड को फोर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो देखिए टू सेवन जा फोर्टीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, एंड फोर नाइन जा थर्टी सिक्स। अब इनको ऐड भी करते हैं अपन, देखिए मल्टीप्लाई किया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई किया ऐड करते हैं, तो इसमें ऐड करने पर अपने पास ऑप्टेन सेवेंटी फोर, ये चेक कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम चेक भी कर सकते हैं अपना जो है राइट है आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन जो है अपना नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, सो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में द एजेज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो फाइव रेशियो सेवन, तो यहाँ पर जो है एज का रेशियो दे रखा है, तो एक तो राहुल है एक हारून है, इनकी जो एज है उनका रेशियो दे रखा है फाइव रेशियो सेवन, यानी राहुल की आयु जो हारून की आयु से कम है, रेशियो से हमें पता चलता है। तो यहाँ राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु में अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ प्रेजेंट एज है उसमें हमें रेशियो दे रहे हैं फोर ईयर लेटर, फोर ईयर लेटर मीन्स चार वर्ष बाद की बात हो रही है, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, यानी चार वर्ष बाद उनकी जो आयु का योग है वो 56 हो जाता है, यानी छप्पन वर्ष हो जाता है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी जो है वर्तमान आयु क्या होगी, तो इनकी हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसके
जो है क्वेश्चन हम आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें प्रेजेंट जो एज है उसका रेशियो अपने को यहाँ पर दिया हुआ है, तो एज नहीं है यहाँ पर, प्रेजेंट एज का रेशियो है और प्रेजेंट एज अपने को यहाँ पर फाइंड करनी है, तो ये भी हम कर सकते हैं इजीली। तो आज का जो होमवर्क है अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 9th है वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आज का जो होमवर्क है अपना, आज के होमवर्क में हमें क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमें कंप्लीट करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में 9th 10th क्वेश्चन है जो आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो आज के होमवर्क में क्वेश्चन 7th एंड 8 हमें नोटबुक में कंप्लीट करना है।